प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार कश्मीर से याना मीर जी, और ये दोनों बात करेंगी भारत में हो रहे चुनावों की गर्मा गर्मी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी याना मीर। बहुत शुक्रिया याना, क्या जा पाई है, थैंक यू सो मच। आई नो कि बहुत टाइट शेड्यूल है, बहुत ज्यादा काम है याना, फील्ड में काम कर रही है इलेक्शंस में। बहुत शुक्रिया क्या ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी हाँ, फील्ड में काम कर रही हूँ, मजा भी आ रहा है लेकिन थकान भी बहुत हो रही है दिल्ली की गर्मी में। लेकिन ये तो बताएं कि क्या देखने को मिल रहा है, पब्लिक बाहर आ रही है या लोग कम निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, इलेक्शन की कुछ है गहमा गहमी, लोग बाहर आ रहे हैं, और कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रही है? इलेक्शन की गर्मा गर्मी तो डेफिनेटली है, एंड आई वुड से कि देखिए लोग इस तरह से कुछ कंफ्यूज हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि देयर इज उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको सचमुच बता दूं, पीपल वेल बीजेपी से जिस तरह की उम्मीदें थी, उनको ऐसे फील हो रहा है कि उम्मीदें टूटती जा रही, क्योंकि आप देखिए वो वॉशिंग मशीन वाले वॉशिंग मशीन से साफ करके कैंडिडेट्स को लाया जा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की जा रही है सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे। तो जाहिर बात है कि भारतीय जो है ऑन द होल हम सेक्युलर लोग हैं, तो अगर हमें ज्यादा एक तरह से ना पोलराइज करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं हम, मतलब हमें वी विल गेट अनकंफर्टेबल। अगर हमसे कहा गया कि ये एक सर्टेन कॉम है जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, आपको इनको हेट करना है, लेकिन वो हम ऐसे वी आर नॉट हेटर्स। भारतीय जो हमारी जो संस्कृति, जैसे हमारी सभ्यता है, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी थिंकिंग है, वी आर सेक्युलर पीपल, तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो इतना हो रहा है कि बीजेपी की जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, जीडीपी को लेके हो, कई बहुत अच्छे काम किए हैं। कमियां तो हर गवर्नमेंट में होती है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक सारे गवर्नमेंट्स में, जितने भी गवर्नमेंट्स इंडिया में आज तक आई, सबसे अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं। लेकिन वो ये जो पोलराइजेशन वाला एटीट्यूड है उनका, ये उनके अपने कामों को ओवरशैडो कर रहा है। पोलराइजेशन वाला नैरेटिव जो है उनके अपने कामों को ओवरशैडो कर रहा है। और दूसरी चीज ये है, लोगों को लग रहा है वॉशिंग मशीन वाले कैंडिडेट्स क्यों आ रहे हैं, कि भाई जब बीजेपी में नहीं होते तो ये क्रिमिनल्स हैं, जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनका कच्चा चिट्ठा साफ हो जाता है, पूरा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही साफ हो जाता है। तो ये चीजें लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज की नौकरियों को लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। तो जहां तक मैं, एंड ऑफकोर्स अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, उससे उनको बहुत सिंपथी मिली है। कई लोग जो उनके वोटर्स नहीं भी हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे कि ये जो हो रहा है भी ठीक नहीं हो रहा है। आई मीन वो सीएम है आफ्टर ऑल, तो अब परोल पे राम रहीम जैसे लोग परोल पे निकल जाते हैं, तो एक यूनियन टेरिटरी का सीएम जो है, दिल्ली एनसीआर एरिया का जो सीएम है, वो कैसे कैसे वो रह सकते हैं जेल के अंदर, वो भी इलेक्शंस के टाइम। तो ये लोगों को खटक रही है कुछ बातें, कई लोग इन चीजों की वजह से। हालांकि आप देखो तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, उनको ईडी से समन्स आए थे, वो समन में गए नहीं, 8 समन्स उन्होंने मिस कर दिए, तब जाके उनको जेल हुई। तो ये एक प्रोसेस है, इससे डायरेक्टली बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, मगर बीजेपी ऐसी चीजें होने दे रही है, तो इस चीज की वजह जो है लोग थोड़े से खफा, उनको लग रहा है कि तानाशाही का कहीं स्टार्ट तो नहीं है। लोग बेसिकली, मैं कंक्लूजन बता दूं, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उस वजह से हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जो डेमो जो दूसरी जो सियासी मुखालिफ है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है याना? हमने भी जैसे पाकिस्तान से यही देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लेकर आए, स्पेशली कश्मीर जहां से आप हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से इस वक्त अमन है और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो सब तो इनके फेवर में जाते हैं।
तो फिर आखिर इतनी घबराहट किस बात की दिख रही है बीजेपी में कि वो कभी मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं तो कभी कोई और बात हो रही, कभी अपोजिशन को कहा जा रहा है, तो आपके ख्याल से ये सब कुछ क्यों है? जी सॉरी कट हो गया था। नहीं नहीं ओके, आपने आपने मेरा क्वेश्चन लिया। जी, आपने ये पूछा कि पाकिस्तान में भी सेम देखने को मिलता है, कश्मीर में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद मैंने नहीं सुना, सॉरी। मैं यही बात कर रही थी कि पाकिस्तान में भी सब यही हैरान हो रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। जितने दिन उनकी गवर्नमेंट रही तो उसमें कश्मीर के प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो भी हमने देखा, कश्मीर में भी एक अमन आया है और कई दूसरी चीजें जो कंट्री के लिए की गई, चाहे इकोनॉमी हो या कुछ भी, उसके बावजूद ये घबराहट किस बात की है कि अपोजिशन लीडर भी अरेस्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम टारगेट होते हैं या कुछ अग्रेसिव किस्म की स्पीचेस जो हैं वो बीजेपी के लीडर्स की तरफ से देखने को मिली, तो आखिर इनके एडवाइजर्स ये मिसगाइड कर रहे हैं, हो क्या रहा है? पता नहीं, बिकॉज एज अ मुस्लिम एंड एज अ कश्मीरी आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मैंने ऐसी चीजें सुनी। आई विल टेल यू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कश्मीर में भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है इलेक्शंस को लेकर। बहुत एंड वहां पे जो वेव है, एवरीबडी इज हैप्पी दैट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस में बहुत मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, पीपल आर एक्टिव। ये नहीं कि पिछले पहले जैसे होता था कि बॉयकॉट ही कर दो भाई इलेक्शन, हमें क्या इंडिया से लेना देना। नहीं, ये आज का जो जनरेशन है वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, इलेक्शंस को एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, एंड कोई भी एंटी नेशनल हरकत नहीं हो रही है, कोई भी बैन करने की कोशिश नहीं हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं कि हम आकर वोट करें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक फेज तो हो भी गया और बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट आया कश्मीर से। और जब मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की, मैंने ये देखा कि बीजेपी के कई सपोर्टर्स हैं वहां पर, कह रहे हैं कि अगर हमारे कश्मीर को किसी ने बदला तो मोदी जी ने, और आगे भी बदलाव अगर आएगा, तरक्की अगर आएगी तो मोदी जी से ही आएगी, कितने लोग कश्मीर में ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मुसलमानों को इस तरह से अपनों से अलग किया जाता है, उनको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, तो ये बहुत ही हर्टफुल चीज है। एज अ मुस्लिम आई विल टेल यू इट्स वेरी हर्टफुल। लेकिन फिर हुआ ये कि मोदी जी अलीगढ़ गए और वहां जाकर उन्होंने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर लिया। उन्होंने इनडायरेक्टली वाजिया कर दिया कि आउटसाइडर कौन है, घुसपैठिया कौन है, और अपने मुस्लिम्स कौन है, अपने भारत के मुस्लिम्स कौन है। सो ही वॉज ट्राइंग टू से कि भारत में भी बहुत बड़ा मुस्लिम तबका है, जो भारतीय मुस्लिम एक तरह से कह सकते हैं ये कन्वर्ट्स हैं, पहले हिंदू थे, अब कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए पिछले कुछ जनरेशन से। ठीक है, इनको जो है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना इनकी कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स में कोई इनको पूछता है कहीं भी, ना इनको जॉब्स मिलती है, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी अशराफिया मुस्लिम्स के हवाले से। अशराफिया मुस्लिम्स वो है जो बाहर से, जैसे आपके यहाँ मुहाजिर जिनको कहते हैं, तो हमारे यहाँ अशराफिया मुस्लिम वो है जो जिनकी डिसेंट जो है वो विदेशी है। फॉर एग्जाम्पल सैयदीज जो हैं, या खान्स जो हैं, या मुगल्स, तुर्क, इस तरह के जो जिनके सरनेम्स हैं, तो मीर भी मैं कहूंगी कि वो पसमांदा नहीं है, सन्स ऑफ द सॉइल नहीं है। लेकिन एक तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पसमांदा मुस्लिम्स हैं वो यहीं के हैं, भारत के हैं, और इनको ना गजवाए हिंद चाहिए, इनको ना लव जिहाद में इंटरेस्ट है, इनको बस चाहिए कि भाई हमें भी इक्वल फुटेज मिले, हमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई हमसे भी पूछ के देखे कि हम क्या, हमें भी जॉब्स मिले। कहा जाता है कि अशराफिया मुस्लिम्स जो बाहर से आए हुए हैं वो इन पसमांदा मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनके घरों में शादी नहीं करते, उठना बैठना नहीं करते इनके साथ, अच्छा स्कूल कॉलेजों में इनके नाम पे कोटा तो ले लेते हैं, लेकिन इनको वो वाले कोर्सेस नहीं करने देते जिससे तरक्की हो सकती है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये वाले कोर्सेस। इनको बोलते हैं अरबी में जाके डिग्री कर लो, इस्लामिक स्टडीज में डिग्री कर लो, ऐसे इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ये अपनी सोसाइटी में। तो इनके बारे में तो मोदी जी क्लियरली बोल रहे हैं कि इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, और ये जो है भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन, 15% मुस्लिम पॉपुलेशन में से 88% पसमांदा मुस्लिम है, जो हमारे अपने हैं, मोदी जी का ऐसे कहना है। लेकिन
आउटसाइडर जो है वो ये वो लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक सेक्युलर इंडिया में शरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेक्युलर इंडिया में अरब लॉ सिस्टम वैल्यू सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान की जहनीयत लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की जहनीयत भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आउटसाइडर्स उन्होंने क्लियरली कहा। तो ये चीज उन्होंने अलीगढ़ के बयान में वाजिया कर दिया। और फाइनली मैं ये कहूंगी पसमांदा मुस्लिम्स के साथ भी मैंने स्टोरी की और उनसे ही वो स्टोरी आज ही रिलीज हो रही है भारत एक्सप्रेस पे, और उन्होंने खुद कहा है ये चीज, उन्होंने खुद सामने आके कही कि वो शुक्रगुजार है मोदी जी के कि फाइनली किसी ने तो उनका जिक्र किया, वरना अब तक वो कह रहे हैं कि अशराफियों ने हम बार बार हमें रिप्रेजेंट किया। और ये चीज कुछ कश्मीर से मिलती जुलती है, सैयद अली शाह गिलानी और उनके पपेट्स ने बहुत टाइम तक कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि सारा कश्मीर हम ही है और हम सारे जो है पाकिस्तान को चाहते हैं, लेकिन असल में जो मैक्सिमम मेजोरिटी कश्मीरीज थे, आप देखिए चाहे वो एनसी के साथ हो या जो भी हो, या चाहे वो चुप हो, चाहे वो हो जो पंडितों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे नेशनलिस्ट ही थे, और उन्हीं की वजह से आज कश्मीर सीरिया या अफगानिस्तान नहीं बन गया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को उनके हाथों बिकने नहीं दिया। तो इस वजह से ये चीज जो है, ये मुझे लगता है कि मोदी जी के अलावा बाकी के जो बीजेपी के मेंबरान हैं अफराद हैं उनको ये पोलराइजेशन की नीति बंद करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी क्लियर कर दिया है अपने कौन है पराए कौन है। और दूसरी चीज घुसपैठिया तो क्लियरली वो लोग हैं जो यहाँ के हैं ही नहीं, मतलब अशराफिया मुस्लिम भी कई आप कह लो कई दो तीन जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, चाहे उनकी विदेशी मानसिकता हो मगर वो यहाँ पे रह रहे हैं। घुसपैठिया वो है जो सडनली आ जाते हैं जो यहाँ के है ही नहीं, या तो बांग्लादेश के या तो पाकिस्तान के घुस के हमारी सोसाइटीज में रहते हैं, फेक आधार कार्ड ले लेते हैं, बच्चों पे बच्चे पैदा करते जाते हैं, फिर यहाँ का राशन पानी देते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ के अपने लोगों को कमी आ जाती है इनकी वजह से। तो ये आप लोग तो आपके यहाँ तो वो सीमा हैदर टाइप के लोग भी जो चले गए हैं वो तो आप लोग रख के बैठे हुए, आप लोगों ने ना कोई एक्शन लिया ना निकाला ना अब करें क्या, हमारे बेटे ने जाके ऐसे शादी कर ली ना, ना दिमाग है ना कुछ है उसको, लड़की को ले आया उसके चार बच्चों को भी ले, आप क्या करें, अब हमारी बहू बन गई हम वापस भेज तो नहीं सकते उसको। लेकिन द फैक्ट इज कि इस तरह से जो लोग आते हैं डेफिनेटली इंडिया डज नॉट सपोर्ट रेफ्यूजीज, और रेफ्यूजी के यू नो जो पूरा जो रेफ्यूजीज को लेके जो कंसर्न है पूरी दुनिया में, इंडिया उसमें मतलब भागीदारी नहीं रखता, जो यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजीज को लेके जो भी जो भी रूल्स रेगुलेशन है इंडिया उसमें इंटरेस्टेड है नहीं, और रेफ्यूजीज को लेके हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हमारी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम रेफ्यूजीज नहीं चाहते, चाहे वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक रेफ्यूजीज क्यों ना हो, कि उनके देशों में शायद उनको मौके नहीं मिलते, नौकरियां नहीं मिलती, या जो भी है उसकी वजह से वो इंडिया में आ जाते हैं। तो वी डोंट वॉन्ट ऑल दिस, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में घुसाए, ये घुसपैठिया है। घुसते तो घुसते हैं, राशन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, नौकरियां ले लेते हैं, ऊपर से वोट भी करते हैं। अब जाहिर बात है आरजू, इनकी थिंकिंग, क्योंकि ये बाहर से आए, इनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऐसे लोग वोट करने लग जाए तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आप समझिए इस बात। बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन या ना लास्ट में मैं यही पूछूंगी, कहीं ना कहीं लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो अपना जो भी भाषण देते हैं या कोई भी तकरीर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे, जो पब्लिक है वो हर्ट ना हो। अब मोदी जी के बहुत फैन पाकिस्तान में भी है, लेकिन उन्होंने जो बात की थी उससे उसका कुछ मतलब जरूर निकला था। वो ठीक है बाद में वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आपको लगता है कि इनके एडवाइजर्स वगैरह को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए? एब्सोल्युटली पता नहीं उनके एडवाइजर्स कौन है, बट दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब आल्सो। चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को पार्टी में लेना, वॉशिंग मशीन कैंडिडेट्स को पार्टी में लेना, या इस तरह की मतलब पता नहीं क्या, या लास्ट मिनट कैंडिडेट्स बदल देना, नए कैंडिडेट्स को लाना, बहुत सारे ऐसी चीजें, फिर पोलराइजेशन की हद, जहां भी लगता है कि काउंटर कर रहा है, इनका जो काउंटर रिस्पॉन्स होता है वो हिंदू से होता है, हो जाता है। कहीं पे किसी ने किसी हिंदू महिला पे अत्याचार किया, कहीं पे किसी ने ये किया वो किया जुल्म किया, तो उसको सामने लाके, अरे जिसने जुल्म किया जिसने अत्याचार किया वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल किसी भी तबके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो, लेकिन ऐसे दिखाना
कि मुस्लिम्स आर ट्रबल मेकर्स एंड बीजेपी इज फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स. जब भी इनको कोई बीजेपी सपोर्टर भी क्रिटिसाइज करता है कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, तो फिर इनको याद दिलाया जाता है भूलना मत कि हम ही हैं जो देश को मुस्लिमों से मुक्त कर सकते हैं. वो एक चीज सामने लाई जाती है, कम से कम सोशल मीडिया पे तो यही हो रहा है. तो इस तरह की चीजें, जो भी उनका आईटी सेल संभाल रहा है, जो भी उनको एडवाइस कर रहा है, मुझे लगता है इज डूइंग अ वेरी बैड जॉब. जी बिल्कुल ऐसा ही. और ऐसा करने से उनके अपने लीडर का जो इम्प्रेशन एक बना हुआ है वही खराब हो रही है, उनकी इमेज जो है वो खराब हो रही है मोदी जी की, और कोई फायदा नहीं हो रहा. थैंक यू सो मच याना कि आपने आज ज्वाइन किया. आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप आई, बहुत शुक्रिया. जल्दी फिर बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और याना मीर जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. खासकर कश्मीर से याना मीर आती है तो कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी आपको अच्छे से बता सकती है. जैसे कि याना मीर जी ने कहा कि कश्मीर के लिए आज तक किसी भी सरकार ने इतना बेहतरीन काम नहीं किया जो बीजेपी यानी मोदी सरकार ने कश्मीरियों के लिए किया. और दूसरी ओर आपने देखा याना मीर थोड़ी नाराज नजर आई बीजेपी से, खासकर बीजेपी के जो प्रवक्ता है जो कई बार कुछ ऐसी स्पीच पे बोल देते हैं जो शायद भारत की मिनोरिटीज को बुरा लगता है. तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और दूसरी ओर बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है जो वॉशिंग मशीन का, यानी कि कांग्रेस और बाकी पार्टीज के जो करप्ट यानी कि उनको बीजेपी में लाया जाता है, इससे तो शायद बीजेपी का जो वोटर है या फिर कार्यकर्ता है वो भी नाखुश होता है. बाकी आपने देखा कि याना मीर ने बीच बीच में मोदी जी की अच्छे से तारीफ की, जो पहचान कश्मीरियों को बीजेपी यानी मोदी जी ने दिलाई है वो आज तक ऐसा काम कोई नहीं कर पाया, और देश की तरक्की के लिए बीजेपी और मोदी सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है. और सबसे अच्छी बात मुझे याना मीर की ये लगी जब उन्होंने बात की घुसपैठियों को लेके, खुद हमारे भारत देश की आबादी इतनी है कि हमें घुसपैठियों की जरूरत नहीं है, वो जब भी हमारे देश में आएंगे वो पराया समझ के हमारे देश को नुकसान ही पहुंचाएंगे. तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.